व्हाट्स योर टेक ऑन द सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक KRK? व्हाई बॉलीवुड डजंट रिस्पेक्ट आउटसाइडर्स एंड देयर टैलेंट? क्या है यहाँ के लोग जो पावर पोजिशन में बैठे हैं उनका नाजायज फायदा उठाते हैं? अभी सुशांत के साथ ऐसा हुआ कि उन लोग ने उसको ऐसा इसमें डाल दिया था कि आप बाहर साइन ही नहीं कर सकते। इट वॉज अनफेयर टू सुशांत। अगले सवाल पे आता हूँ सर। दो जनों ने सेम सवाल पूछा है। अच्छा, एक पैक्रिक उन्होंने यूट्यूब पे पूछा था और रवि सिंधल उन्होंने इंस्टाग्राम पे सेम सवाल पूछा। सेम सवाल? यस, एकदम सेम टू सेम। हाँ, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर। ट्विन्स है क्या? नहीं नहीं वो कह रहे कि नन ऑफ द सो कॉल्ड बिग बॉलीवुड क्रिटिक्स रिव्यूड योर फिल्म फैक्ट्री, एग्जाम्पल कोमल, तरन। वाई? बिकॉज वो बाकी सारे फिल्म्स का रिव्यू करते हैं, आपकी फिल्म का क्यों? क्या है, पॉलिटिक्स भी एक चीज़ है ना इंडस्ट्री में, तो शायद पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं कुछ लोग। अब कुछ लोग इनमें से नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, आए थे फिल्म देखने भी हमारी, हमने जो स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी प्रेस के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा देना इंटरव्यू, तो पता नहीं अब क्या है उसमें, कुछ पॉलिटिक्स है या क्या है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती तो उनको बोल नहीं सकते कि दो इंटरव्यू दो भाई, अपना रिव्यू दो। मैं तो रुका था कि देते, बुरा ही बोल लेते तो वो भी ठीक था, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं बोला, तो पता नहीं क्या, शायद किसी ने उन्हें रोक दिया होगा, क्योंकि ये सब बहुत चलता है कि किसी को रोक दो कुछ करने से ताकि उसको पब्लिसिटी नहीं मिले, वो आगे नहीं चला जाए। तो ये सब इंडस्ट्री के जो हथकंडे हैं ये हैं इंडस्ट्री में। दिस इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ इट्स ईविल्स, तो मे भी किसी ने रोक दिया होगा कि मत बोलिए आप लोग, तो कुछ दोस्त यारी में रुक गए होंगे वो लोग। लेकिन ठीक है, आजकल YouTube का ज़माना है और YouTube पे तो हर बात फैली जाती है। करेक्ट। तो वो नहीं बोलेंगे तो और कोई लोग बोलेंगे, और कोई लोग बोलेंगे, पब्लिक बोलेगी। yes. आगे तो ठीक है। पहले तो ये बॉलीवुड फिल्म्स को सिर्फ प्रमोट करते थे, लेकिन आजकल जो साउथ की भी जो फिल्में आ रही है उनका भी अपडेट दे रहे हैं, जो कि हिंदी भी नहीं है, तेलुगु हो, तमिल हो, उनका भी अपडेट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ आम जनता हमें लगा कि फैक्ट्री का भी रिव्यू आना चाहिए। और कुछ लोग बिकाऊ भी हो गए हैं, ये भी एक सच बात है। आप उनको कुछ कुछ देंगे, कुछ पैसा देंगे तो वो लिख भी देते हैं। अब हमारे प्रोड्यूसर के पास तो लिमिटेड मनी था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो हम तो उनको वो भी नहीं ऑफर कर पाए, तो शायद ये भी एक वजह से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में बिकते भी हैं लोग, जर्नलिस्ट भी बिकते हैं, उनकी टीम्स होती हैं कि नहीं इनके लिए ही करेंगे, नहीं उनके लिए ही करेंगे, ये सब है इंडस्ट्री में। तो क्या करें, अब ये सब है तो फेस करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पब्लिक इज द रियल क्रिटिक, पब्लिक इज द रियल थिंग, पब्लिक का रेस्पॉन्स अच्छा ही आया सर पिक्चर के लिए। हाँ, वो तो ऊपर वाले की बोला ना, ऊपर वाले की भगवान की कृपा हो गई है। समर दीक्षित का अगला सवाल है। समर दीक्षित थोड़ा सा क्रिटिक्स से ही रिलेटेड है। वो कहते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन द सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक KRK? बिकॉज ही क्रिटिसाइज्ड यू इन अ वीडियो ऑन हिज चैनल। ही क्रिटिसाइज्ड मी ऑन अ वीडियो ऑन हिज चैनल। हाँ, वीडियो इन अ वीडियो ऑन हिज चैनल। KRK भी एक क्रिटिक हैं, उनकी भी अपनी स्टाइल है। हाँ, उनकी भी अपनी स्टाइल है। yes. तो अब उनका नज़रिया है ना, वो सोचते हैं ऐसा, तो वो उनका नज़रिया है भाई, इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, डेमोक्रेसी है, तो आप जो भी चाहे बोल भी सकते हैं आके। तो उन्होंने कह दिया जो उनको लगा, अब शायद उनको सही में लगा। अच्छा, लेकिन वो एक बात KRK भूल गए कि वो फिल्म का क्रिटिक, फिल्म के बारे में बात करके मेरी पर्सनल लाइफ का क्रिटिसाइज करने लग गए, तो वो मेरे क्रिटिक हो गए, मतलब फिल्म का क्रिटिक छोड़ के। तो वो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी उस बात पर। लेकिन खैर, उनको ज़्यादा फिल्म की बातें करनी चाहिए थी, तो वो मेरे पर्सनल लाइफ पे मुझे क्रिटिसाइज करने लग गए। तो वो मैं भी हंस दिया, मैं बोला यार ये फिल्म का क्रिटिक कर रहे हैं कि मेरे लाइफ का क्रिटिक कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, शायद ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई होगी। तो वो खैर, वो उनका स्टाइल है कि उन्होंने एक बात कही थी। हाँ, उनके वीडियो में मुझे ऐसा लगता है KRK ने मुझे ऐसा लगता है कि वो बात उन पर उल्टी पड़ गई,
क्योंकि पब्लिक को पिक्चर पसंद आई। जब पब्लिक ने पसंद किया तो अभी क्या रह गए, उसके बाद में कुछ नहीं कहा उसने। हाँ उसके बाद कुछ नहीं कहा उन्होंने। और मेरा क्या है ना मेकर, अच्छा केआरके का अब क्या बोले यार, उनकी बात उल्टी तो पड़ी गई, क्योंकि मेरा एज अ मेकर एज अ डायरेक्टर मेरा क्या नज़रिया है कि चाहे एक आदमी भी थिएटर में देखने आए पिक्चर आपकी, अगर वो एक आदमी को पसंद आ गई तो आपका 100% रिव्यू हो गया, मतलब क्योंकि वो आदमी एंटरटेन होके उठा है। तो जितने भी लोग आए देखने, मेरा तो ये नज़र कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, इसलिए मैं बोलता हूँ 90% लोगों को अगर पसंद आ गई आपकी पिक्चर तो यू वन द बैट। तो क्या है कि बात उल्टी तो पड़ गई उधर, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए और नेगेटिव तो आएंगे, थोड़े तो नेगेटिव भी होंगे। तो ठीक है, थोड़ा नेगेटिविटी अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल में रखती है आदमी को, वरना आदमी बहुत ऊपर उड़ जाएगा, गैस बलून बन जाएगा, तो उसको नीचे उतारने के लिए कोई पोक मारेगा तो ठप करके नीचे गिर जाएगा, फूम बस्ट हो जाएगा। एक विशाल बडोल उनकी तरफ से एक कमेंट आया आपके लिए, वो कहते कि आई डोंट नो योर फैक्ट्री इज हिट और फ्लॉप बट इन माई हार्ट यू आर सुपर हिट। अरे वाह विशाल भाई, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू फॉर दिस कमेंट, आई अप्रिशिएट इट एंड आई एम हैप्पी दैट यू लाइक माई वर्क एंड होपफुली यू सी द फिल्म समटाइम जब रिलीज होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो विशाल भाई का तब हम लोग पूछेंगे उनको बाद में कि क्या कमेंट बातें पिक्चर देखने के बाद। नेक्स्ट सवाल है सेलेस्टियल ड्रीमर का, सेलेस्टियल यस, क्या आप सपोर्टिंग रोल्स भी करना चाहोगे या सिर्फ लीड रोल्स ही प्रेफर करोगे? नहीं, सेलेस्टियल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्या हो गया ना कि मेरी अभी देखिए इंडस्ट्री तो बॉक्स ऑफिस से चलती है, तो अब ये पिक्चर भी मैंने मेन लीड प्ले किया इसमें, तो ये भी अभी अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस इज व्हाट पीपल कंसिडर एंड दे नाप तो लो योर फिल्म बिकॉज ऑफ द बॉक्स ऑफिस, तो आपकी मार्केट उससे बनती है, चाहे आप हीरो हो चाहे डायरेक्टर हो चाहे कुछ भी हो मार्केट में। लेकिन अब मैं अगली पिक्चर ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक स्टेप बैक लेके मैं 2-3 पिक्चरें डायरेक्ट करूँ खाली, और ऐसा नहीं कि उसमें एक्टिंग ना करूँ, उसमें कुछ एक्टिंग कैरेक्टर रोल मैं कर सकता हूँ। सेलेस्टियल का अच्छा सजेशन है, और मेरा भी दिमाग में आई थी ये बात कि मैं कुछ अलग अलग कैरेक्टर खेलूँ, मतलब फिल्म में कुछ रोल मैं भी कर लूँ, मेन लीड। हाँ, और मेन लीड मैं किसी और को लूँ, ये मेरा ख्याल आ रहा है, ताकि प्रोड्यूसर भी सेफ हो, मतलब जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए और जब डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर के पास जाए, जो प्रोसेस होता है फिल्म रिलीज करने का, तो डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी एक्साइटेड एंड द एग्जीबिटर हेड शुड बी एक्साइटेड टू रन योर फिल्म इन द थिएटर, तो पूरा चेन है ना, एंड देन ऑडियंस विल ऑल्सो बी एक्साइटेड टू सी। तो आई एम रेडी टू प्ले नेगेटिव रोल्स ऑल्सो, छोटा रोल्स ऑल्सो, सम आई कैन प्ले सम इंटरेस्टिंग रोल्स इन द फिल्म, आई माइट, बट आई वुड प्रीफर टू डायरेक्ट राइट नाउ 2-3 फिल्म्स एंड देन थिंक बैक वेदर आई कैन एक्ट अ वॉट। एंड आई एम ओपन टू प्ले एज आई, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो हर रोल खेलूँगा, अगर वो रिक्वायरमेंट रहेगी, छोटा बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, फादर दादा, दादा भी बनेंगे यार आगे चल के। मज़ा आएगा, जैसे अशोक कुमार जी का ग्राफ रहे ना, वो ग्राफ पकड़ना चाहिए, अशोक कुमार जी का ग्राफ बहुत अच्छा रहा, एज ए हीरो देन एज अ सेकेंड डबल हीरो, जब उनकी उम्र हो गई तो वो सुनील दत्त के साथ आते थे, मतलब ममता पिक्चर में देखिए आप, तो ही वॉज द सीनियर हीरो एंड ही हैड, फिर राजेंद्र कुमार के साथ गुमराह, तो डबल हीरोज भी खेला उन्होंने, फिर आगे चल के उन्होंने सीरियल भी होस्ट किया, तो ही बिकेम एन होस्ट ऑल्सो लेटर ऑन। उनका ग्राफ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत लंबी पारी खेली उन्होंने, और बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट रहे अशोक कुमार जी, तो वैसा ग्राफ बनाना चाहिए एक्टर लुक, सिर्फ हीरो बन के ओपन हो सारे रोल्स का। और हम तो थिएटर से आए, हम तो थिएटर वाले हर रोल करते हैं। तो सेलेस्टियल ड्रीमर को अपना जवाब मिल गया है। नेक्स्ट सवाल आता है रतिक खन्ना, वो पूछते कि व्हाई बॉलीवुड डजंट रिस्पेक्ट आउटसाइडर्स एंड देयर टैलेंट। उनके दो सवाल है, ये पहला है। yes. क्या नाम क्या है इनका? रतिक खन्ना। यस भाई, देखिए कोई भी इंडस्ट्री में जब बाहर का आदमी आता है, चाहे मैं अब खुद मैं बॉलीवुड का हूँ, ये फिल्म फैमिली में पैदा हूँ, तो अगर मैं इस एग्जांपल होटल लाइन में जाऊँगा, तो वहाँ भी मुझे कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, एक लेवल पे उनसे सीखना पड़ेगा, पहले उनका काम सीखना पड़ेगा। तो वैसे
जो इंडस्ट्री से बाहर के लोग आते हैं उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन क्या है यहाँ के लोग जो पावर पोजिशन में बैठे हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो गलत है। हमारे ज़माने में भी पिक्चर हमारे डैडी अंकल साइन करते थे, जो नए एक्टर आते थे उनको ब्रेक देते थे तो उनको 3 पिक्चर के लिए साइन करते थे। कि पहला पिक्चर हम आपको आपके ऊपर पैसा डाल रहे हैं, आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, फिर आप कभी हिट हो गए तो आगे चल के हमको भी फ़ायदा मिले, आप हमको कम पैसे में हमारे साथ काम करोगे और डेट का प्रेफरेंस दोगे, ऐसा होता था। लेकिन आजकल तो क्या है कि ऐसा हो गया है कि वो लोग एक्टर को बांध ही लेते हैं, जैसे कुछ मतलब जमींदार जैसे होते थे ना, खून चूस लेते थे कि आप हमारे बिना आप कोई बाहर की पिक्चर नहीं कर पाओगे। अभी सुशांत के साथ ऐसा हुआ, तो वो गलत कॉन्ट्रैक्ट होता है। यू शुड नेवर साइन अ रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन हो जो। ओके, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फेयर टू बोथ पार्टीज, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर। सुशांत को उन लोग ने, अगर मुझे जो पता चला न्यूज़ कि उन लोग ने उसको ऐसा इसमें डाल दिया था कि आप बाहर साइन ही नहीं कर सकते, yes. 3 प्रोजेक्ट तक या जब हम कर, तो दैट इज़ अनफेयर। आप किसी का ग्रोथ रोक रहे हो, आप किसी का ग्रोथ रोक रहे हो, तो वो सही नहीं है। आप उसको बाहर भी काम करने दो, फिर आपको जब काम करना है, आपका जब तक स्क्रिप्ट रेडी होगा तो वो कोई काम ही नहीं करे क्या? अगर आपने एक पिक्चर उसको हिट दे दिए तो आप नाइंसाफ़ी हो गई। भाई उसको काम करने दो, उसको भी ग्रोथ करने दो, फिर बाद में सेकंड प्रोजेक्ट जब तक आपका प्लान होगा, जब तक आप कहानी लिखोगे, जब तक वो अप्रूव करेगा, तो उसमें टाइम जाता है, साल वेस्ट होते हैं एक्टर के। एक्टर का लाइफ लिमिटेड होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का लाइफ लिमिटेड होता है, वो ज़िंदगी भर नहीं काम कर सकते, है ना? तो लेट पीपल ग्रो, डोंट स्टॉप देयर ग्रोथ, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। तो हमारे डैडी लोग भी साइन करते थे 3 पिक्चर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि आप बाहर का साइन ही नहीं कर सकते। इट वॉज अनफेयर टू सुशांत दैट द अग्रीमेंट दैट ही गॉट इनटू। तो बी फेयर, ये इंडस्ट्री में एक दूसरे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं जो पावर में बैठे हैं, तो वो गलत है, वो सब टूटेगा। ये अब जमींदारी जो बंद हो गई ना, ख़त्म हो गई ना, इंडिया में नहीं चली ना, अभी नहीं होती ज़मींदारी, तो वो भी ये सब सिस्टम अच्छे नहीं है। यू हैव टू बी फेयर टू द पर्सन, बोथ द टू द एक्टर एंड टू एवरीवन, टू द न्यू कमर्स। यू शुड यू नो हेल्प देम आउट, नर्चर देम, किसी की ग्रोथ रोको मत, वो मैं उसके खिलाफ हूँ। तो आउटसाइडर्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन आउटसाइडर्स क्या करें बेचारे, उनको ब्रेक भी चाहिए। अच्छा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बोल रहा है कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। थोड़ा सब्र करना चाहिए। अब ये इंडस्ट्री, ये सब चेंज होना पड़ेगा, सब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को भी चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ऐसे यार। आप गलत रूल्स बना के नहीं जी सकते। यू हैव टू बी फेयर इन योर डील, एक्सप्लॉयटेशन, आपने सही वर्ड बोला, डोंट एक्सप्लॉइट ही नहीं करता जैसे आप क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो, इट्स नॉट राइट। एक्सप्लॉइटेशन ये सब सही नहीं है। आप फिर वो अलग अलग गंदे तरीके से बाहर आता है, जैसे कुछ एक्ट्रेसेस हैं वो आके कुछ बोलती हैं सालों के बाद कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब वो पावर में आ गए हैं तो वो लोग बोलेंगे, वो लोग भी आपका कहीं ना कहीं आपके ऊपर उतारेंगे, तो ये गंदगी बहुत हो जाती है आगे चल के। इट्स नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री, इट्स नॉट अ हेल्दी एटमोसफियर। वर्क प्लेस शुड बी अ हेल्दी एटमोसफियर, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कब तक आप करोगे? ये सब रूल्स चेंज होंगे, बाहर वालों को फेस करना पड़ता है ज़्यादा। वो भी बेचारे मजबूर होते हैं कि हमको कोई काम तो दे रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको, कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको काम दे रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो भी, उनको भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मत करो काम ऐसा। रतिक खन्ना का एक और सवाल है सर जी, कि व्हाई टुडेज सॉन्ग्स डोंट हैव मीनिंगफुल लिरिक्स एज ओल्ड टाइम्स। पुराने गानों में बात थी, वो लोग जो एक एक सिचुएशन पे वो लोग पूरा गौर करते थे, और जब तक वो गाना मिलता नहीं था तो उसी में डूबे रहते थे, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो। उस फिल्म में जो एक कहानी, एक कहानी चल रही है, उसके बाद सिचुएशन करके एक गाना आया, तो वो गाना लिखने में कितने लोग कितना टाइम लगाते थे,
नहीं मिल रहा है तो लगे गए वो गाने के पीछे। आजकल क्या फास्ट, फटाफट जल्दी दो जल्दी दो, वो क्विक से क्विक आया क्विक गया, क्विक 5-10 बार रिपीट हो रहा है। हाँ, तो वो जल्दी आया जल्दी आउट हो गया, क्विक दो क्विक बनाओ आउट। पहले के ज़माने में लोगों ने टाइम लेके काम किया तो अभी तक याद है, लेजेंडरी हो गए हैं। अभी तक लोगों के जहन में वो याद है गाना, लिरिक्स दिल को छूता है वो बात, क्योंकि दिल से लिखा गया है। जब दिल से लिखा जाएगा तो दिल को छुएगा, नहीं तो आएगा आएगा राम गया राम हो जाएगा। जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड प्रेमी, उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। बॉलीवुड प्रेमी दिग्विजय जी आपके सवाल पूछते रहें सब लोगों को और आप तक उसका जवाब लाते रहें। आदाब।